हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए आपके सामने एक न्यूज लेकर आ गई हूं। और डेफिनेटली पवनदीप, अरुणिता, दानिश, साइली इन सभी से जुड़ी हुई है। और इतना कह सकती हूं कि पुणे से लौटी ही हूं, इसलिए थोड़ा सा शूट लेट करने में आया है। एंड आई वॉज बिजी विद अदर स्टोरीज फॉर माई अदर कंपनी, बट चलिए ठीक है, स्टोरी आपके सामने लाना मेरा धर्म है और मैं अपना धर्म निभा रही हूं। अब फ्रेंड्स, आपने देख लिया होगा कि कैसे कुछ एक पिक्चर्स वायरल हो रहे हैं, कुछ एक इन्फॉर्मेशन वायरल हो रही है कि ये जो आपके फेवरेट इंडियन आइडल 12 के कंटेस्टेंट्स हैं, दे आर अगेन सीन ऑन द सेट्स। ये सेट्स जो झलक दिखलाजा का है उसके सेट पर आए हुए हैं। और फ्रेंड्स, सिंपल बात यह है कि इन्फॉर्मेशन ये निकल कर आ रही है कि ये चारों कलाकार, इनफैक्ट पांचों कलाकार, यानी कि पवन, अरुणिता, दानिश, साइली और सलमान अली, SS3 यानी कि सुपरस्टार सिंगर्स 3 जो शो है उसके प्रमोशन के लिए झलक दिखलाजा के सेट पर गए हुए हैं। सर्टनली मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रही हूं, वो आएगी तो वैसे भी आपके सामने पूरी डिटेल्स के साथ लेकर आ ही जाऊंगी। ये दिखाई दिए हैं एक तरीके से शूट करने के लिए, एक तरीके से अपने अपकमिंग एपिसोड को लोगों के सामने लाने के लिए। एक जो होता है ना, दिस इज कॉल्ड शो इंटीग्रेशन, या शो का एक आगाज जो किया जाता है, एक इन्फॉर्मेशन जो दी जाती है, ये उसके हिसाब से किया गया है। झलक दिखलाजा वैसे भी अभी अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ चल रहा है और डेफिनेटली अब ये सारे ही आपके सुपरस्टार सिंगर 2 के जो बड़े बड़े लोग हैं, ये पहुंच रहे हैं उस सेट पर और अपने नए शो के बारे में डिटेल्स देने के लिए आ रहे हैं। मेरे पास हाल फिलहाल ऑफिशियल इतनी डिटेल्स आई हैं, मैं और निकालने की कोशिश कर रही हूं कि एग्जैक्टली ये आप कब देख पाएंगे या फिर कब से शुरू हो रहा है। जितनी भी होंगी डिटेल्स वो सारी आपके सामने लेकर आ रही हूं, लेकिन फिलहाल तो इस बात पे खुश हो जाइए कि अब आपको पवन, अरुणिता, दानिश, साइली, सलमान अली जैसे गुणी सिंगर एक बार फिर से दिखाई देने वाले हैं और इस बार फिर काम करना शुरू करना पड़ेगा, इनके शो को लेकर इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू करनी पड़ेगी। मतलब मेरे लिए तो धमाल टाइम है, बहुत अमेजिंग टाइम है, बिकॉज डेफिनेटली इट्स अ गुड फीलिंग। डेफिनेटली इन लोगों के जो सिंगिंग स्टाइल है वो देखने में मजा आएगा। वैसे भी जो सुपरस्टार सिंगर 2 रहा था उसमें भी मोहम्मद फैज जैसे गुणी कलाकार आए हैं इंडस्ट्री में और बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं। इस बार देखते हैं इस बार किसकी टीम कैसे है, कौन सा नाम से कहलाएगी। इतना बता सकती हूं कि इसके अगले महीने से, यानी कि 1 जनवरी से इसका ऑडिशन राउंड्स शुरू हो जाएंगे, ऑडिशंस शुरू हो जाएंगे, ऑन ग्राउंड ऑडिशंस, और मेरे हिसाब से 1 या 2 महीने के अंदर अंदर इसको ऑन एयर कर दिया जाएगा, क्योंकि जनरली ये वो समय होता है जो ऑडिशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, फिर उसको शूट किया जाता है, एडिट किया जाता है और फिर लोगों के सामने लाया जाता है। तो बिल्कुल हो सकता है कि झलक दिखला जाके जाते जाते उसको जो रिप्लेस करना है वो SS3 आ जाए। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि SS3 जो एक सिंगिंग रियलिटी शो है, वो इंडियन आइडल जो अगेन अ सिंगिंग रियलिटी शो है, उन दोनों को क्लैश नहीं किया जाएगा, एटलीस्ट मुझे तो यही लगता है। लेकिन फिर भी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए निकाल कर लेकर आऊंगी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी आपके सामने भी आ जाएगी। जय हिंद।